और मोदी सरकार को उनका दुख और दर्द जो है वो महसूस नहीं हो रहा। उनको पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री की माता की श्रद्धांजलि देने की फुर्सत हो गई, लेकिन यहाँ हमारे आत्म बलिदानी बाबा राम सिंह जी ने बलिदान दे दिया, 29 किसानों ने बलिदान दे दिया, लेकिन यहाँ उनके एक शब्द भी नहीं निकलता। ये उनका हठ और धर्मिता दिखाता है कि वो अहंकार और घमंड में चूर हैं। मोदी जी अब छोड़ो मन की बात, साथ में जुड़ो जन की बात। सबसे ज्यादा यूथ है तो वो हिंदुस्तान के अंदर है, और हिंदुस्तान का युवा अब जाग चुका है, और मोदी ने समझना ही होगा, मोदी ने जो मूर्ख बनाए थे अब वो मूर्ख बनाने की कला जो है वो उसका ड्रामा जो है आम जनता को समझ में आ चुका है कि वो किस प्रकार ड्रामा करता है। पंजाबी नैशनल टीवी तुसी देख रहे हो, तो मेरे नाल इस वेले मौजूद ने जोगिंदर जोगी जी, जो कि हरियाणा तो ने। सत श्री अकाल जी। नमस्कार जी, और आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और मुझे अच्छा लगा कि आप आज इस आंदोलन में, कल हम टिकरी बॉर्डर थे, आज हम यहाँ आए, और मैं इस आंदोलन को ये बात मानता हूँ कि ये एक किस्म की किसान संसद है, और यहाँ पे किसान अपनी चर्चा कर रहे हैं। और पहला आंदोलन एक ऐसा आंदोलन देखा है जिसमें मानवीय मूल्यों का विकास हो रहा है। मोदी सरकार ने बड़े प्रयास करे इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए, कभी खालिस्तान के नाम पे बताया गया, कभी आतंकवादियों के का आंदोलन बताया गया, कभी बांटने का प्रयास किया गया, कभी हरियाणा और पंजाब में बांटने का प्रयास किया गया कि उन्होंने कहा कि SYL वो नहीं दे रहा, लेकिन हरियाणा के लोगों ने देखा कि पंजाब के साथी हमारे आए हैं, पंजाब हमारा बड़ा भाई है, और जब उन्होंने देखा कि ये संकल्प करके आए हैं, किसानों की समस्या को लेकर आए हैं, तो हरियाणा भी पूरी तरह से उठकर उनके साथ आ गया। और सबसे बड़ी बात इस आंदोलन की जो देखी, जो एजेंडा रहा है भारतीय जनता पार्टी का, मोदी सरकार का, बांटने का, उन्होंने हरियाणा में पहले जाट और नॉन जाट में बांटने का काम किया, हरियाणा और पंजाब के रूप में बांटने का काम किया, उन्होंने धर्म के नाम पर हिंदू और मुस्लिम के नाम पर बांटने का काम किया, उन्होंने महाराष्ट्र में मराठा और गैर मराठा के रूप में बांटने का काम किया, गुजरात में पटेल और गैर पटेल के रूप में बांटने का काम किया। लेकिन ये जो आंदोलन है, इस आंदोलन में पूरी किसान कौम, सभी के सभी लोग, हमारा ये मानना है कि हम पिछड़ा वर्ग से संबंध रखते हैं, लेकिन किसान जो कौम है, खेती से जो लोग जुड़े हुए हैं, वो किसान सबके घर में खाना पहुँचाते हैं। और हमारे यहाँ तो मानते हैं कि अगर भगवान के बाद कोई दाता है तो वो अन्नदाता है, जिनके द्वारा अन्न हमें मिलता है, हमारी रसोई तक अन्न जाता है। और आज वो अन्नदाता जब इस कष्ट में है, दुख में है, और मोदी सरकार को उसका दुख और दर्द जो है वो महसूस नहीं हो रहा। उनको पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री की माता की श्रद्धांजलि देने की फुर्सत हो गई, लेकिन यहाँ हमारे आत्म बलिदानी बाबा राम सिंह जी ने बलिदान दे दिया, 29 किसानों ने बलिदान दे दिया, लेकिन यहाँ उनके एक शब्द भी नहीं निकलता। ये उनका हठ और धर्मिता दिखाता है कि वो अहंकार और घमंड में चूर हैं, लेकिन ये जो किसान हैं, ये पूरे देश का ना होके बल्कि पूरी दुनिया की निगाहें इस किसान आंदोलन के ऊपर हैं। और किसानों ने खासकर, मैं पंजाब के सभी किसान आंदोलन से जुड़े हुए जत्थेबंदियों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जो मानवीय मूल्य तो देखने को मिले यहां पे, जो एक सेवा भावना जो देखने को मिली, कोई जुरा बांट रहा है, कोई कंबल बांट रहा है, कोई खाने के लंगर बांट रहा है, जो सेवा भावना हमें मिली, हमें भी इतना सीखने को मिला कि किस प्रकार हम सेवा कर सकते हैं, किस प्रकार हम, है ना, कितने दुख और कष्टों के बीच में आज, है ना, अपनी मांग नहीं बल्कि जो सरकार ने दिया उसको वापस लौटाने के लिए यहाँ बैठा है, लेकिन सरकार की समझ में अब भी नहीं आ रही। जैसे कि आपने बताया कि आप लोग यहाँ से बहुत कुछ सीख रहे हो, देख रहे हो ना, पर क्या सरकार को ये सब कुछ नहीं दिख रहा है? अभी 27 को वो मन की बात करने जा रहे हैं, तो वो कौन सी मन की बात करने जा रहे हैं जबकि यहाँ पे हजारों लोगों के मनों की बातें जो है उन तक नहीं पहुँच रही? मोदी जी, अब छोड़ो मन की बात, साथ में जुड़ो जन की बात। जब तक जन की बात आप नहीं सुनोगे, मन की बात देखिए, मेरी जो समझ है, और जो जब तक मैं समझ के अनुसार मैंने देखा है,
कि एक संवैधानिक पद पे जो व्यक्ति बैठता है उसका आदर और मान सम्मान होता देखता आया हूँ मैं हमेशा से ही, चाहे वो प्रधानमंत्री के रूप में हो चाहे मुख्यमंत्री, जो संवैधानिक पद के ऊपर बैठा हो। पहली बार मैं ये देख रहा हूँ युवाओं में इतना आक्रोश है, पहली बार ये देख रहा हूँ कि उसको जी के बगैर जी के बोला जा रहा है, मोदी को इस प्रकार से बोला जा रहा है, तो उस आक्रोश को मोदी ने समझना ही होगा। अन्यथा पूरी दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा यूथ है तो वो हिंदुस्तान के अंदर है, और हिंदुस्तान का युवा अब जाग चुका है और मोदी ने समझना ही होगा। मोदी ने जो मूर्ख बनाए थे, अब वो मूर्ख बनाने की कला जो है वो उसका ड्रामा जो है आम जनता को समझ में आ चुका है कि वो किस प्रकार ड्रामा करता है। वो रकाबगंज गुरुद्वारा में चले गए, उसको कम से कम यहाँ कितने सिख भाई हमारे बैठे हैं और कितने सिख भाइयों ने बलिदान दे दिया, उसको वो नज़र नहीं आया। तो इन सारी बातों से ये नज़र आता है कि देखिए जो दिल से जो बात होती है और जो ड्रामा होता है वो समझ में आ जाता है, अब लोग उसके ड्रामे को समझ चुके हैं। तुसी भी देख रहे हो कि वो चाहे हरियाणा होवे, चाहे गुजरात होवे, चाहे राजस्थान होवे, चाहे होवे पंजाब, हर कोई विरोध कर रहा है। तो हर कोई मैं ये गल सोच रही हूँ कि एक इंसान गलत हो सकता है, दो इंसान गलत हो सकते हैं, तीन इंसान झूठ बोल सकते हैं, पर इतने इन्ने सारे लोग लखा की तादाद दे विच सिर्फ एको ही अपील कर रहे हैं कि जोड़े साढ़े फैसले हक ने उन्होंने वापस किया जाए, जोड़े उन सरकार के फैसले ने उन्होंने बदलिया जाए। तुम देख रहे हो पंजाबी नैशनल टीवी। We'll be right back.